हाय, मैं हूँ प्रिया। आज मैं बनाने जा रही हूँ पाइनएप्पल का हलवा। पाइनएप्पल का हलवा बनाने के लिए चाहिए आपको पाइनएप्पल का पेस्ट, इसमें शक्कर नहीं डाला हुआ है, और एक बड़ा चम्मच घी, एक कटोरी रवा, आधी कटोरी शक्कर, 5-6 पिस्ते, 5-6 काजू और 5-6 बादाम जिसके मैंने टुकड़े कर लिए हैं। मैंने पैन गरम कर लिया है। अब मैं इसमें एक बड़ा चम्मच घी डाल देती हूँ। अब इसमें ये एक कटोरी रवा डाल देती हूँ और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेती हूँ। आप इसे मीडियम फ्लेम में चलाते रहें। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। मैंने प्लेट में रवे को निकाल लिया है। ये अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो चुका है। पैन गरम हो चुका है। अब इसमें मैं 2 कप पानी डाल देती हूँ। कर डाल देती हूँ और इसे पानी में घुलने तक चलाती हूँ। शक्कर अब अच्छी तरह घुल चुकी है। अब मैं ये पाइनएप्पल का पेस्ट डाल देती हूँ। मैं इसे चला लेती हूँ। 2 मिनट तक आपको इसे पकाना है। 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें उबाल आने लगा है। अब मैं इसमें भुना हुआ रवा डाल देती हूँ। मैं इसे चला लेती हूँ। शक्कर आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। आप इसे चलाते रहें ताकि ये जले ना। गाढ़ा होने तक आपको इसे चलाते रहना है, जब तक इसका ये पानी अच्छी तरह सूख नहीं जाता। अब ये सूखने लगा है। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। मैं इसमें काजू बादाम डाल देती हूँ और पिस्ता गार्निशिंग के लिए रखते हैं। अब ये हलवे का पानी अच्छी तरह सूख चुका है और रवा अच्छी तरह पक चुका है। अब ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। अब ये पाइनएप्पल हलवा तैयार है। अगर आपको पाइनएप्पल हलवा की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।